न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू जी। शंभू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, थैंक यू। पत्रकार भी कहिए, वरिष्ठ वाला जो है ना उधर से चोरी किया हुआ है। वी आर ऑल आर जर्नलिस्ट। बात बताइए, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के आंकड़े आपके बहुजन समाज के सामने है, बीएसपी की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है 2019 के अंदर क्या रिजल्ट रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का? मुझे भविष्यवाणी का दुकान खोलने दीजिएगा तब बताऊंगा। आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फिर भी आप राजस्थान में जगह जगह जाते हैं, एनालाइज करते हैं, पब्लिक का रुझान देखते हैं। आप पूछना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, इस देश में सबसे ताकतवर पार्टी है बीजेपी पैसे के लिहाज से, उसके पास सवर्ण समाज का अपना वोट भी है। उनको मिजोरम में कितनी सीटें आई हैं, उनको तेलंगाना में कितनी सीटें आई हैं? बीएसपी पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और उसने करके दिखाया। आपको पता है वोट परसेंटेज कितना है? तो मैं कह रहा हूँ, अगर इस लिहाज से देखेंगे कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास संसाधन नहीं है और वो संसद में पहुँच रही है, तो सबसे ज़्यादा इस देश में कैडर वोट की बात करेंगे ना, तो वो मोर देन 30% बीएसपी के पास है। चूँकि संसाधन नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं, आपको पता है उसके कैंडिडेट को कैसे धमकाया जाता है? जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनके गाड़ी पर वो जेसीबी चढ़ा रहे थे। पैसे का लालच है, धमकी है, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ बीएसपी ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है, और जो बीजेपी नहीं कर सकती है तेलंगाना में, उसने बीएसपी ने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा उन्होंने सीट निकाले हैं। लेकिन ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आप टीवी देख के, अखबार देख के आपको लगा कि कांग्रेस बीजेपी मजबूत पार्टी है, वो पैसे से मजबूत पार्टी है, वोट से नहीं है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई बहुजनों को, और जो बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो ये बात समझाने में कामयाब हो गए अपने लोगों को, उस दिन से आप संसद पहुँचने लगेंगे। आप एक बात बताइए कि अभी आप मीडिया के ऊपर भी एक उंगलियां उठाते हैं कि बहुजन मीडिया की बात नहीं दिखाता है, तो कहाँ आप मीडिया को मानते हैं? मैं मीडिया पर उंगली नहीं उठाता हूँ। मैं दिक्कत यह है कि गाय उन्होंने पाला है तो दूध वही खाएंगे जी। तो आपको अपना मीडिया हाउसेस खोलना पड़ेगा जी। वो आपके पत्रकार हैं ही नहीं तो कैसे होगा जी। तो आप अपना पत्रकार बनाइए, अपना मीडिया हाउसेस खोलिए, तभी जाके आपकी भागीदारी तय होगी। उन्होंने जहाँ पूंजी लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, वहाँ आपकी खबरें क्यों दिखाएंगे?